हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आप एक पोको के यूजर से तो दोस्तों फाइनली आपके लिए काफ़ी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों पोको की तरफ से देखेंगे सीधा का सीधा 12.5 का एनहांस एडिशन का अपडेट काफ़ी सारी पोको की डिवाइसेस के लिए देखेंगे रोलिंग आउट करना चालू किया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी भी बंदे ने पोको M3 Pro जो कि 5G वाला डिवाइस परचेस किया है, तो दोस्तों फाइनली पोको M3 Pro जो कि 5G डिवाइस है, या फिर अगर आपके पास रेडमी नोट 10T जो कि 5G डिवाइस है, सो फ्रेंड्स दोनों डिवाइस में देखेंगे 12.5.1.0 का एनहांस एडिशन का अपडेट फाइनली कल से रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड दोस्तों, इस अपडेट के बाद देखेंगे आपके फोन्स में काफी सारे चेंजेबल फीचर्स मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस अपडेट के बाद आपके फोन्स में कौन कौन से चेंजेबल फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आपके पोको M3 Pro डिवाइस में, रेडमी नोट 10T डिवाइस में, या फिर रेडमी नोट 10 डिवाइस में देखेंगे ये फीचर्स आपको मिलने वाले है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास रेडमी का रेडमी नोट 10 है, या फिर रेडमी नोट 10T 5G वाला डिवाइस है, या फिर अगर आपके पास पोको M3 Pro 5G डिवाइस है, तो इन डिवाइस के लिए देखेंगे कल से 12.5.1.0 का एनहांस एडिशन का अपडेट फाइनली रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरे पोको M3 Pro 5G डिवाइस में 12.5.1.0 का अपडेट जो कि एनहांस एडिशन का अपडेट फाइनली रिसीव हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपडेट रिसीव नहीं हो चुका है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसकी लिंक दे दूंगा। तो अपडेट यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अपडेट इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे अबाउट फोन सेक्शन में, एंड अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको 12.5.1.0 का वर्जन है, एंड बीच में देखेंगे आपको एनहांस्ड लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। मतलब ही दोस्तों सरासरी जो अपडेट है एनहांस्ड एडिशन का अपडेट है। बट दोस्तों, अगर हम यहाँ पर व्हाट्स न्यू पे चेक करके देखेंगे, मतलब कि व्हाट्स न्यू में क्लिक करके देखेंगे, तो यहाँ पे आपको चेंज लॉग कुछ भी शो नहीं होता है। बस आपको अदर मतलब सिस्टम स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, आपको बस यही चेंज लॉग देखने को मिल जाता है। वर्जन के बारे में बात करेंगे तो अगर आपके पास पोको M3 Pro या फिर रेडमी नोट 10T का डिवाइस है तो 12.5.1.0 मिल जाएगा, एंड अगर आप एक रेडमी नोट 10 डिवाइस के यूजर से तो आपको 12.5.3.0 का वर्जन मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल के बारे में बात करेंगे तो 1.11 मतलब कि लेटेस्ट आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको चेंज लॉक फीचर्स में कौन कौन से मेजर आपको चेंजेस इस अपडेट के बाद देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों बात करेंगे एनिमेशन के, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी एनिमेशन नहीं है। मुझे लगता है कि एनिमेशन यहाँ पे रिमूव किया गया है। सबसे पहले दोस्तों चेंज लॉक फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉपअप मैसेज मिल जाएगा जो कि देखेंगे स्वाइप टू स्विच बिटवीन कंट्रोल सेंटर टू नोटिफिकेशन सेट्स। मतलब कि दोस्तों अगर आपने कंट्रोल सेंटर को एक्सेस किया तो जस्ट आपको क्या करना है, स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आप आसानी से नोटिफिकेशन शेड में या फिर स्विच हो सकते हैं। मतलब दोस्तों आप देखेंगे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में स्वाइप करने के बाद आप कंट्रोल सेंटर से नोटिफिकेशन सेट्स एंड नोटिफिकेशन सेट से कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। एंड दोस्तों पोको M3 Pro डिवाइस में देखेंगे अपडेट इंस्टॉल करने से पहले आपको जो कंट्रोल सेंटर था, आपको ग्रे टाइप का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता था। बट दोस्तों इस अपडेट के बाद आपको ट्रांसपेरेंट ब्लर इफेक्ट का कंट्रोल सेंटर मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे आपको जो ब्राइटनेस बार है, मतलब कि जो ब्राइटनेस लेवल है, आपको परमानेंट ब्राइटनेस बार मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर फुल करने के बाद भी आपको नीचे के साइड में ब्राइटनेस बार शो हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे आपको 12.5 के बाद आपको जो नोटिफिकेशन शेड्स है उसमें जितने सारे नोटिफिकेशंस आता है तो उनके नोटिफिकेशंस के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशंस के नीचे देखेंगे कुछ शॉर्टकट शो हो जाता है, जैसे कि एलो, स्नूज एंड मोर सेटिंग्स, या आपको 12.5 के बाद ही देखने को मिल जाता है। तो जो भी इनकमिंग नोटिफिकेशंस है तो किसी भी नोटिफिकेशंस के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको नीचे के साइड में ऐसे शॉर्टकट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलते चलते दोस्तों बात करेंगे एक और चेंज लॉक फीचर्स के बारे में जो कि आपको UI में देखने को मिल चुका है, जो कि आपका वॉल्यूम बार का पैनल है यहाँ पर चेंज हो चुका है। इससे पहले आपको सिलेंड्रिकल टाइप की यहाँ पर वॉल्यूम बार पैनल देखने को मिलते थे, बट आप यहाँ पर देखेंगे 12.5 एनहांस एडिशन के बाद आपको फ्रेश न्यू लेटेस्ट आपको ग्रिड टाइप के वॉल्यूम बार पैनल देखने को मिल जाता है। नीचे के साइड में देखेंगे आपको साइलेंट बटन एंड जो DND बटन है उनके आगे भी देखेंगे आपको स्लाइडर, मतलब जो टाइमर से अगर आपको सेट करके रखना है, जैसे कि 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए, अगर आपको जो टाइमर सेट करके रखना है तो टाइमर्स को भी सेट करके रख सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली आपका DND या फिर साइलेंट का जो भी फंक्शन है ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे रीसेंट पैनल के बारे में, क्योंकि दोस्तों पोको के काफी सारे डिवाइस में देखेंगे जो रीसेंट पैनल है, रीसेंट पैनल में फ्लोटी विंडो, उसके बाद देखेंगे जो काफी सारे शॉर्टकट्स है उनको ही गायब किया है।
तो किसी भी टैब के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको लॉक स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन ये फीचर्स मिल जाता है। किसी भी एंगल से देखेंगे आपको फ्लोटी विंडो या फिर जो मिनी विंडो का फीचर्स है वो अभी तक देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको सेटिंग्स में और भी क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है, तो सेटिंग्स ओपन करेंगे एंड सेटिंग्स ओपन करने के बाद सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करें जो कि आपको लॉक स्क्रीन में मिल जाता है। तो दोस्तों 12.5.1 जो अपडेट के बाद लॉक स्क्रीन में देखेंगे आपको डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस अनलॉक ये फीचर मिल जाता है। बट दोस्तों जो फीचर देखेंगे हर एक कंडीशन के लिए वर्क नहीं करेगा, मतलब कि फोन अनलॉक कंडीशन में होने के बाद कुछ फुल स्क्रीन सीन्स या फिर जो भी वीडियो प्लेबैक्स के एप्लीकेशन से सपोर्टेबल बस उनके लिए देखेंगे आपको चार्जिंग एनिमेशन अनलॉक स्क्रीन में शो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉक फीचर्स के बारे में जो कि आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में मिल जाता है। तो दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन में आएंगे तो आपको साउंड असिस्टेंट में जो फीचर्स है पहले से मिल जाते हैं, बट उसके आगे देखेंगे आपको जो फंक्शन है मतलब कि सेटिंग्स है नोटिफाई अबाउट कॉल्स एंड नोटिफाई अबाउट रिपीटेड कॉल्स ये फीचर्स आपको नए मिल जाता है जो कि काफ़ी फायदेमंद फीचर्स है। मतलब दोस्तों अननोन नंबर या फिर जो भी कॉन्टेक्ट नंबर से अगर आपको ज़्यादातर यहाँ पर मिस कॉल आता है तो आपको उस कॉल का पॉपअप विंडो ऊपर शो हो जाएगा, मतलब कि जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉक के बारे में जो कि आपको एडिशनल सेटिंग्स में मिल जाता है। तो एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद जो भी आपको सेटिंग्स के मेनू से मतलब कि डिलीट स्क्रीनशॉट, डिलीट फोटोज बस उसका नाम चेंज किया है, जैसे कि प्ले साउंड वाइल डिलीटिंग द फोटोज, प्ले साउंड वाइल अनइंस्टॉल द एप्लीकेशंस, बस आपको यहाँ पे नाम ही चेंज किया है, बस यूएमआई भी चेंजेस देखने को मिल जाता है जो कि आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंजेस के बारे में नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में मिल जाता है। सो अगर आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन नहीं था तो आप देखेंगे आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिल चुका है, एंड अगर आपको कंट्रोल सेंटर के नीचे स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। बाकी होम स्क्रीन लॉन्चर आपको एज इट इज मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में, तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाने के बाद आपको अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऐसे दो कैटेगरी मिल जाते हैं। अवेयरनेस की कैटेगरी में देखेंगे एप्स की इंफॉर्मेशन, ऐप का बिहेवियर चेक करके देख सकते हैं, एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में देखेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड काफी सारे फंक्शंस मतलब कि फीचर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस अपडेट के बाद आपको काफी बेहतरीन फीचर मिल चुका है जो कि बैटरी एंड परफॉर्मेंस में मिल चुका है। सो फ्रेंड्स बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आने के बाद आपको बैटरी सेवर एंड बैटरी ऐसे दो कैटेगरी मिल जाते हैं। तो बैटरी की कैटेगरी में आपको पता है कि टेम्परेचर, उसके बाद कितना टाइम अपने चार्ज किया है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट दोस्तों बैटरी सेवर में जाएंगे एंड बैटरी सेवर में आपको एनहांस एडिशन के बाद आपको बैटरी में तीन मोड मिल जाता है, जैसे कि सेव बैटरी है मतलब कि बैटरी सेवर को इनेबल करेंगे तो ऊपर के सर में देखेंगे 18 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। उसके बाद बैलेंस मोड में देखेंगे आपको 14 घंटे का यहाँ पर बैटरी बैकअप मिल जाता है, एंड परफॉर्मेंस मोड में इनेबल करेंगे तो आपको 14 घंटे का यहाँ पर बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो इस मेथड से देखेंगे आपको बैटरी सेवर मोड, बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड ऐसे तीन मोड आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस में इस एनहांस एडिशन अपडेट के बाद मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉक फीचर्स के बारे में जो कि आपको एप्स की कैटेगरी में मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट्स एंड अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स के दो फंक्शंस मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट में आने के बाद जितने सारे आपको होम स्क्रीन के फंक्शंस है मतलब एप्लीकेशन है अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे जाने के बाद रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार आपको होम स्क्रीन पे ये जो एप्लीकेशन से रिमूव करने का ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पे एप्स की सेटिंग में आने के बाद उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एंड बाद में अगर आपको इनेबल करना है तो बाद में उसको इनेबल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोगों को लगा था कि अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स ने आपको जो भी सिस्टम के एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करने का सपोर्ट मिल जाएगा, बट दोस्तों आप देखेंगे ज्यादातर किसी भी डिवाइसेस में आपको सिस्टम के जो भी एप्लीकेशन है 12.5 या फिर 12.5 एनहांस सॉल्यूशन के बाद भी यहाँ पे अनइंस्टॉल करने का कोई भी ऑप्शन अभी तक देखने को तो नहीं मिला। दोस्तों बात करते हैं अगले काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो कि काफी शॉकिंग वाले फीचर्स है। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे एंड एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों पोको M3 प्रो डिवाइस में देखेंगे मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल चुका है, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 0.0 GB का यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन मिल चुका है। मेरा फोन यहाँ पर देखेंगे 4 GB 64 GB का वारंट है, बट मुझे लगा था कि एटलीस्ट इसमें 1 GB का यहाँ पर रैम मिल जाएगा, बट यहाँ पर पता नहीं ऐसा शो हो रहा है 0.0 GB का मुझे यहाँ पर वर्चुअल रैम मिल चुका है मेमोरी एक्सटेंशन के फीचर्स में। पता नहीं दोस्तों पोको के डेवलपर लोगों से टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है या फिर मुझे सच में 0 GB का मेमोरी एक्सटेंशन मिला है, आई डोंट नो। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में जो कि आपको स्पेशल फीचर्स में मिल जाता है। काफी सारे डिवाइस में देखेंगे स्पेशल फीचर्स के काफी सारे फीचर्स गायब किए हैं, एंड पोको M3 प्रो डिवाइस में देखेंगे बस आपको तीन ही फीचर्स है, जैसे कि फ्लोटिंग विंडो है, वीडियो टूलबॉक्स है, एंड तीसरा देखेंगे आपको गेम टर्बो का फीचर मिल जाता है। वैसे दोस्तों बात करेंगे पोको M3 प्रो डिवाइस या फिर रेडमी नोट 10T 5G वाला डिवाइस में, इनमें देखेंगे आपको लेटेस्ट गेम टर्बो 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है, एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो आपको जितना ज्यादा कुछ एडवांस लेवल के
फीचर्स नहीं है, जो बेसिक फीचर्स है आपको वही यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों पोको M3 Pro डिवाइस में देखेंगे आपको टाइमर का फीचर मिल जाता है, टाइमर्स का जो फीचर है उसके साथ साथ आपको जो वॉइस चेंजर का फीचर है तो वॉइस चेंजर का भी फीचर मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है कि पोको M3 Pro डिवाइस में आपको पहले से देखने को मिलता था। गेम टर्बो में देखेंगे आपको गेमिंग मोड मिल जाता है, गेमिंग मोड में आपको परफॉर्मेंस मोड एंड बैलेंस मोड ऐसे दो मोड मिल जाते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस मोड को इनेबल करेंगे, बट आपको परफॉर्मेंस मोड में बैटरी ज्यादा ड्रेन हो जाएगी। एंड अगर आपको एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए तो आप यहाँ पर बैलेंस मोड को इनेबल कर सकते हैं। सो गेम टर्बो में मुझे बस यही चेंज लॉक फीचर्स देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड्स 12.5.1.0 एनहांस्ड एडिशन में आपको सेटिंग्स में बस यही हाईलाइटेड फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यूआई में या फिर सिस्टम एप्स में कौन कौन से चेंज लॉक फीचर्स मिल चुके हैं, तो सबसे पहले दोस्तों चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको नोट्स ऐप में चेंजेस मिल चुका है। सो फ्रेंड्स नोट्स ऐप को ओपन करेंगे तो यूआई में देखेंगे आपको थोड़ा सा चेंजेस मिल जाता है। एंड नोट एप्लीकेशन में देखेंगे अगर आप ज्यादातर अपना स्केच को इस्तेमाल करते हैं तो स्केच में आपको ऑटोमेटिक स्केचिंग का भी फीचर मिल जाता है। जस्ट अगर आपको कोई भी अपना ज्योमेट्री ड्रॉ करना है, मतलब कुछ पेंटिंग में स्केच करना है, जैसे कि ट्रायंगल रेक्टेंगल देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, सर्कल देखेंगे, अगर आपको ड्रॉ करना है तो जस्ट आपको ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ करने के बाद आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, अगर आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं, बट ड्रॉ करने के बाद आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है ताकि आपको जो भी स्केच है परफेक्टली अपना देखेंगे स्केच हो जाता है। तो ये भी देखेंगे आपको चेंज लॉक फीचर स्केच एप्लीकेशंस मतलब के नोट्स ऐप में देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैमरा एप्लीकेशंस में कौन कौन से चेंजेस मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपने पोको M3 Pro का जो कैमरा सेटिंग्स कैमरा फीचर्स का वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि बेसिक में आपको कुछ भी ज्यादा फीचर्स इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। एंड दोस्तों वैसे भी आप देखेंगे इस अपडेट के बाद भी पोको M3 Pro डिवाइस में कुछ ज्यादा खास फीचर्स देखने को नहीं मिला है। वीडियो में भी देखेंगे कुछ ज्यादा खास फीचर नहीं है, उसके बाद फोटो मोड में भी देखेंगे कोई भी ज्यादा खास फीचर्स नहीं है। बट दोस्तों जो यूआई चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो आपका जो यूजर इंटरफेस है बस वही आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। 12.5 जैसा यूजर इंटरफेस चेंज किया है, बट फीचर्स देखेंगे आपको ज्यादा कुछ भी खास यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो दोस्तों 12.5 एनहांस्ड एडिशन अपडेट के बाद आपके पोको M3 Pro, Redmi Note 10 एंड Redmi Note 10 T डिवाइस में देखेंगे बस यही चेंज लॉक फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों आपके पास कौन सा डिवाइस है आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।